नमस्कार, आदाब, जय हिंद दोस्तों। अगर अभी यहाँ पे देखेंगे आप, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। आप ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना हो वो भी ऑनलाइन कर सकते हैं। आपको मशीन टेस्ट देना है यानी कंप्यूटर टेस्ट देना है वो भी ऑनलाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे परमिट जो होगा, परमिट भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, सर्टिफिकेट भी परमिट का ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अगर आपने परमिट ऑनलाइन अप्लाई किया है परमिट के लिए और परमिट कैसे आप डाउनलोड करेंगे, सारा चीज़ आपको इस वीडियो में बताने वाला। तो वीडियो ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए हर एक स्टेप और कैसे आपको परमिट आपको डाउनलोड करना है। उम्मीद है वीडियो जरूर आपको पसंद आएगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। अब सीधा चलेंगे हम यहाँ पे मोजिला फायरफॉक्स या गूगल क्रोम जो भी आपके पास, वहाँ पे जाएंगे। सर्च बार में हमें यहाँ पे सर्च करना है परिवहन लिख के यहाँ पे सर्च कर देंगे, यानी टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद परिवहन लिखेंगे या सर्च कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट लिंक आपको देखने को मिल जाएगा, होम परिवहन सेवा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। इस लिंक पे क्लिक कर देना है। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको परिवहन का होम पेज कुछ इस तरह का दिखेंगे, जहाँ पे आपको ऑनलाइन सर्विसेज, इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, ये सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम जाएंगे ऑनलाइन सर्विसेज में, व्हीकल रिलेटेड सर्विस मारेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे परमिट देखना है, तो परमिट हमें अपने गाड़ी का ही देखेंगे। तो यहाँ पे व्हीकल रिलेटेड सर्विस है, उस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि आप जिस स्टेट से वो स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। मेरे केस में वेस्ट बंगाल है, तो यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ दिया गया, या तो रजिस्टर अथॉरिटी या फिर व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि आप कैसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं परमिट को। तो फिलहाल मैं यहाँ पे व्हीकल जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे जो नंबर है वो नंबर दे देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कोई एक रैंडम नंबर चूज़ करके यहाँ पे दे देते हैं। अब प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जब प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे एक नोटिफिकेशन आएगा, इफ़ यू डू आधार ऑथेंटिकेशन विद आधार नंबर ऑफ अदर देन रजिस्टर्ड ऑनर देन यू एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड एंड फीस शैल नॉट बी रिफंडेड। कुछ नोटिफिकेशन वहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे इससे क्या क्या कर सकते हैं, तो आप एड्रेस चेंज कर सकते हैं RC में, आप यहाँ पे कन्वर्सन ऑफ व्हीकल कर सकते हैं, आप बहुत सारा काम कर सकते हैं, फ्रेश परमिट, रिन्यूअल परमिट, ये बहुत सारा चीज़ें वहाँ से कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे सब कुछ देख लेंगे और परमिट यानी प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। परमिट तो हमें डाउनलोड करना है, प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो हमें बहुत सारा ऑप्शन देखने मिलेगा। आपको अपने व्हीकल का टैक्स देना है तो वो ऑप्शन देखने को मिलेगा। अप्लाई फॉर ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, यानी कि आपका RC नाम चेंज करना है, यानी गाड़ी का मालिकाना हक चेंज करना है वो करेंगे, या फिर फिटनेस सर्टिफिकेट करना है तो यहाँ पे ये करेंगे, या फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लेना है, जैसे गाड़ी आप सेल कर रहे हैं तो नो NOC आप करेंगे तो यहाँ से अप्लाई करेंगे, या फिर आपको कन्वर्सन ऑफ व्हीकल यहाँ से कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पे अल्ट्रेशन ऑफ व्हीकल आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, RC पार्टिकुलर यहाँ पे कर सकते हैं, मोबाइल नंबर RC में अपडेट करना तो ये कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन आपने किया है, उस एप्लीकेशन में आपको लगता है गलती हो गया है, तो उसको विड्रॉ करके फ्रेश एप्लीकेशन का चाहते हैं तो आप यहाँ पे इससे कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे RC परमिट डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे देखेंगे होम है, सर्विस है, आपको यहाँ पे अदर सर्विस है, आपको डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स है, स्टेटस है, तो हमें यहाँ पे परमिट डाउनलोड करना है। तो ऑनलाइन परमिट यहाँ ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो ऑनलाइन परमिट पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जब ऑनलाइन प्रिंट करेंगे, परमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर देने के बाद आपको यहाँ पे लास्ट 5 डिजिट ऑफ चेसिस नंबर दिया जाएगा। चेसिस नंबर आपको RC में देखने को मिल जाएगा या फिर गाड़ी में भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ का लास्ट 5 डिजिट देंगे। अब प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जब प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर में जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको दिख जाएगा, उस मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। OTP आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जब लॉगिन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। अप्लाई फॉर न्यू परमिट, रिन्यूअल ऑफ परमिट, स्पेशल परमिट, टेम्प्रोरी परमिट, डुप्लीकेट परमिट, सरेंडर परमिट, ये सारा आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो हमें यहाँ पे डाउनलोड करना है तो डुप्लीकेट परमिट पे क्लिक कर देंगे, या फिर रिन्यूअल परमिट पे क्लिक कर देंगे, या फिर आपको ऊपर में देखेंगे ऑप्शन देखने को मिलेगा, वहाँ पे उस ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं। जब वहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। अगर स्लाइड डाउन करेंगे यानी स्लाइड लेफ्ट करेंगे और राइट करेंगे तो और चेंज होता रहेगा, जैसे एप्लीकेशन नंबर हो गया या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया। तो हमें यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर नहीं पता है, याद नहीं है, अगर मान लो तो गाड़ी का नंबर याद है तो रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करेंगे, उसका जो भी गाड़ी का नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर है वो वहाँ पे देंगे, उस गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे। जब गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स होगा वहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सीरियल नंबर मिलेगा, यहाँ पे प्रपोज मिलेगा, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट नेम मिलेगा, यहाँ पे अप्रूवल डेट मिलेगा और यहाँ पे स्टेटस मिलेगा। अब जब भी परमिट आप डाउनलोड करेंगे तो परमिट पार्ट दो पार्ट में आता है, एक परमिट पार्ट ए और दूसरा परमिट पार्ट बी, ये दोनों ही आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे देखेंगे रीप्रिंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो रीप्रिंट आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे ऑलरेडी मैं प्रिंट कर रखा हूँ इसलिए रीप्रिंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, नहीं तो आपको प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर लेंगे या फिर रीप्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपको वो चीज़ डॉक्यूमेंट जो है वो आपको डाउनलोड हो जाएगा।
उसके बाद पार्ट ए के बाद पार्ट बी भी आपको सेम वैसे ही उसी प्रोसेस में डाउनलोड कर लेना है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे परमिट डाउनलोड हो जाएगा, उसको आप प्रिंट करके रख लीजिए ताकि वो आपको जरूरत लगता रहेगा, जब भी जरूरत पड़ेगा उसको आप दिखा सकते हैं। जो अभी यहाँ पे लीगल चीज़ होगा, जैसे पुलिस अगर पकड़ता है परमिट के लिए, तो वह चीज़ आप दिखा सकते हैं कि आपके पास परमिट है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कैसे आप परमिट को डाउनलोड कर सकते हैं, और आपने अप्लाई किया है तो और कैसे परमिट को आपको डाउनलोड करना है, फिर प्रिंट करना है, वो सारा प्रोसेस मैंने बताया है। उम्मीद है वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।